यूनिट 5 पोयम। बिफोर स्टार्टिंग इट लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। जू, जेड ओ जू मतलब चिड़ियाघर। मैनर्स MANNERS मैनर्स शिष्टाचार। जू मैनर्स। केयरफुल CAREFUL केयरफुल सावधान। विजिट VISIT विजिट यात्रा। ANIMALS एनिमल्स जानवर। जब एनिमल में एस लग जाता है तो वो जानवरों बन जाता है, और जब हम इसमें से एस हटा देंगे, जब हम इसको एनिमल बना देंगे तो वो जानवर बन जाएगा। एनिमल का मतलब एक जानवर, और जब इसमें एस लग जाता है तो जानवरों, एक से ज्यादा जानवर। फन FUN फन आनंद। हम्प HUMP हम्प। हम्प का मतलब कूबड़। वेरी VERY वेरी। वेरी का मतलब बहुत। प्राउड PROUD प्राउड। गर्व नोबल NOBLE नोबल महान। बम्प BUMP बम्प टक्कर। लाफ LAUGH लाफ हंसना। थिंक्स THINKS थिंक्स। अब इसमें भी एस है, थिंक्स का मतलब सोचते, और जब इसमें से हम ये एस हटा देंगे इसको THINK कर देंगे तो ये बन जाएगा सोच। वाइज WISE वाइज बुद्धिमान। स्ट्रटिंग STRUTTING स्ट्रटिंग एट चाल। अराउंड ARUND अराउंड आस पास। लेक LAKE लेक। झील अंडरस्टैंड UN
डी ई आर एस टी ए एन डी अंडरस्टैंड समझना। रीमार्क्स आर ई एम ए आर के एस रिमार्क्स टिप्पणियाँ। ट्रीट टी आर ई ए टी ट्रीट। अच्छा ट्रीट में इसका मतलब इलाज करने वाला ट्रीट नहीं है, एक ट्रीट होता है जो डॉक्टर हमको ट्रीट करता है, इलाज करता है, लेकिन इसमें जो ट्रीट दिया हुआ है वो बर्ताव के लिए, स्वभाव या व्यवहार के लिए दिया हुआ है। किसी के साथ व्यवहार करना, इसका मतलब वो वाला ट्रीट है। अभी आप आगे ये पोयम पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़कर समझ में आएगा। ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज हमेशा। वेलकम डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई वेलकम स्वागत। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। पोयम का नेम क्या था? जू मैनर्स। जू का मतलब मैंने क्या बताया था? चिड़ियाघर। मैनर्स का शिष्टाचार। तो चिड़ियाघर में जाते समय या जाने पर हमें किस तरीके से शिष्टाचारिक तरीके से रहना चाहिए, ये उसके बारे में है। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। हमें सावधान रहना है जो भी हम बोलें या करें। When you visit the animals, जब आप आसपास जाएं जानवरों के आसपास जाते हुए, मतलब यात्रा करें, at the zoo, जब आप zoo जाएं, zoo चिड़ियाघर की यात्रा करें, don't make fun of the camel's hump, है ना? हम लोगों को fun नहीं बनाना है, मजाक नहीं बनाना है कैमल्स हम। फन का मतलब होता है आनंद लेना, लेकिन इसमें मतलब है एक तरीके से मजाक करना, मजाक किसी के ऊपर हंसना, मजाक बनाना। सो ये क्या बोल रहे हैं? डोंट मेक फन ऑफ कैमल्स हम। ऊंट का जो कुबड़ होता है, कुबड़ क्या होता है आपने देखा होगा, ऊंट की जो पीठ होती है वो थोड़ी सी उठी होती है ना? तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना। ही इज वेरी प्राउड, वो बहुत ज्यादा गर्वित है, प्राउड है वो ऑफ हिज नोबल। बम्प मतलब टक्कर, उसके लिए उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। डोंट लाफ टू मच एट चिंपैंजीज। हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं हंसना है चिंपैंजी। कहा है कभी चिंपैंजी होता है वन मानुष, और वो थोड़ा थोड़ा बंदर की तरह भी लगता है, या फिर अंगोला वानर भी उसको बोलते हैं। तो वो क्या सोचता है कि वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, किसकी तरह? आपके और मेरी तरह। एंड द पेंगुइन्स
स्ट्रटलिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं ये कि जो पेंगुइन्स हैं, है ना, जो झील के आसपास अकड़कर चल रहे हैं, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो समझते हैं कि आप क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, कि जो भी बातें बोल रहे हैं ना, जो भी रिमार्क्स बोल रहे हैं। पेंगुइन क्या होता है, पेंगुइन होता है एक समुद्री बगुला बोल सकते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में पेंगुइन कहते हैं, है ना। तो जो भी आप टिप्पणियां कर रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो समझ सकते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, ठीक है, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो जैसा वो आपको ट्रीट करें, जैसा वो आपके साथ व्यवहार करें, आपको भी उन्हीं के साथ वैसा व्यवहार करना है जब भी आप जू जाएं, चिड़ियाघर जाएं। सो लेट्स अगेन रीड सम न्यू वर्ड्स। प्राउड, PROUD, प्राउड। नोबल, NOBLE, नोबल। वाइज, WISE, वाइज। पेंगुइन्स, PENGUINS, पेंगुइन्स। स्ट्रटिंग, STRUTTING, स्ट्रटिंग। रीमार्क्स, REMARKS, remarks. Reading is fun. What do you see at the zoo? जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपने चिड़ियाघर क्या देखा? So, I see animals at the zoo. हम जानवर देखते हैं चिड़ियाघर में। What does the camel have on his back? ऊंट की पीठ पर क्या होता है? Yes, it is hump. The camel have hump on its back. Let's talk. Have you been to a zoo? क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? अगर आप गए हैं तो आप लिखेंगे Yes, I have been to a zoo. अगर नहीं तो No, I have not been to a zoo. Name the animals which you have seen in a zoo. Say the names in your language and then in English. आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं जो आपने ज़ू में देखे हैं. Say the names in your own language, अपनी भाषा में आपको बोलने हैं, फिर उसके बाद then in English, English में दोहराने हैं. Name the animals you liked the most. Why? आपको उस जानवर का नाम बताना है जो जानवर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? Did you feed any animals at the zoo? Should we tease animals? क्या आपने चिड़ियाघर में जानवरों को
फीड कराया, खाना खिलाया। शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमको जानवरों को परेशान टीज करना चाहिए? तो इसमें हम बताएंगे हमें परेशान करना चाहिए या नहीं, यस और नो बताएंगे। और डिड यू फीड एनिमल्स में भी यस और नो बताएंगे, आपने खाना खिलाया या नहीं खिलाया, दोनों में। लेट्स लिसन, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। तो हम लोगों को सुनना है और राइट का निशान है ना, सही का निशान लगाना है उन वर्ड्स के आगे जो टीचर बोलेगी, राइट? इट, आई टी इट। थिंक, टी एच आई एन के, थिंक। फन, एफ यू एन, फन। मच, एम यू सी एच, मच। वेल, डब्ल्यू ई एल एल, वेल। अब हम लोगों ने ये वर्ड्स रीड कर लिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मीनिंग, लेट्स रिपीट इट अगेन। आई टी इट, इट मतलब यह। थिंक, टी एच आई एन के, थिंक, सोच। फन, एफ यू एन, फन। आनंद, मच, एम यू सी एच, मच, बहुत। वेल, डब्ल्यू ई एल एल, कुआं। एट, ए टी एट। थैंक, टी एच ए एन के, थैंक। एफ ए एन, फैन। मैच, एम ए टी सी एच, मैच। वॉल, डब्ल्यू ए एल एल, वॉल। लेट्स रिपीट इट अगेन। एट, ए टी एट मतलब यह। थैंक, टी एच ए एन के, थैंक, धन्यवाद। फैन, एफ ए एन, फैन। पंखा, एम ए टी सी एच। मेल खाना या मेल खाते हुए, डब्ल्यू ए एल एल, वॉल। दीवार, से अलाउड। बम्प, बी यू एम पी, बम्प। एच यू एम पी, हम्प। डी यू एम पी, डंप। क्राउड, सी
आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, क्लाउड सी एल ओ यू डी क्लाउड, क्लॉ सी एल ए डब्ल्यू क्लॉ, नॉइस एन ओ आई एस ई नॉइस, प्राइज पी आर आई जेड ई प्राइज, साइज एस आई जेड ई साइज, पाइज पी आई ई एस पाइज, फ्लाइज एफ एल आई ई एस फ्लाइज, लेट्स सिंग एंड एक्ट द एलिफेंट, लेट्स एक्ट एंड सिंग द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट ही इज सो टॉल एंड ही इज सो फैट, द एलिफेंट वॉक्स हाथी चलता है लाइक दिस और दैट इस तरह और उस तरह, ही सो टॉल वो बहुत लंबा है एंड सो फैट वो बहुत मोटा भी है, ही हैज नो फिंगर्स फिंगर नहीं है उसके, बट ही हैज सम टोस बट ओ माय गुडनेस व्हाट अ बिग नोज, है ना, ही हैज नो फिंगर्स फिंगर्स नहीं है उसके पास, हाथों की उंगलियां नहीं है, ही हैज सम टोज लेकिन उसके पास टोज हैं, पैरों की उंगलियां जो होती हैं उनको हम टोज बोलते हैं, जो हाथों की उंगली होती है उनको हम फिंगर्स बोलते हैं, बट ओ माय गॉड ओ माय गुडनेस, है ना, हे भगवान जैसे हम बोलते हैं ना, तो ओ माय गुडनेस व्हाट अ बिग नोज, लेकिन कितनी बड़ी नोज है, कितनी बड़ी नाक है, ट्रंक है उसके पास, एलिफेंट की जो नोज होती है हम उसको ट्रंक बोलते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट, हम लोगों को कुछ वाक्य बनाने हैं जिसमें हमें दिस और दैट का यूज करना है। लेट्स राइट अ विजिट टू माय विलेज, मेरे गांव की यात्रा। Fill in the blanks with the words from the box. हम लोगों को ये जो खाली स्थान दिया हुआ है इनको भरना है, ये जो ऊपर बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए हैं को देखकर, जैसे horses, H-O-R-S-E-S, horses, village, V-I-L-L-A-G-E E village, cat, C A T cat, dogs, D O G S dogs, kittens, K I T T E N S kittens, hay, H A Y, hey, pond, P O N D, pond, grandmother, G R A N D, grand, mother, M O T H E R, grandmother. Cow, C-O-W, cow.
कॉक, सी ओ सी के, कॉक। हैन, एच ई एन, हैन। इन जून वी वेंट टू अ डैश, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, मतलब कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हम लोग उनको देखकर बताएंगे और ऊपर आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं। इन जून वी वेंट टू अ डैश, तो ये किसका पिक्चर है? विलेज, गांव, वेयर माय डैश लिव्स, ये है ग्रैंड मदर की पिक्चर, दादी माँ। शी हैज़ अ फार्म, ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, उनका एक खेत है दादी माँ का। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, जहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। देयर आर टू डैश, वहाँ पर दो डैश हैं, ये किसकी पिक्चर है? घोड़ों की, मतलब हॉर्सेस। ए डैश, ये किसकी पिक्चर है? कैट की, बिल्ली की। अ कैट विद इट्स डैश, तो ये बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको हम बोलते हैं किटन, विद इट्स किटन। थ्री डैश, तो यहाँ पर किसकी पिक्चर है? डॉग्स, कुत्तों की। वन डैश एज वेल एज अ डैश, अब यहाँ पे है मुर्गी की फोटो है एक, और एक मुर्गी की। वन हैंड एंड अ कॉक एंड ए डैश, तो यहाँ पर अब किसकी पिक्चर है? काऊ की, गाय की, अ काऊ। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद डैश, यहाँ पे अब किसकी पिक्चर है? हे की, हर सुबह वो अपने जानवरों को हे खिलाती हैं, घास या फिर चारा खिलाती हैं। और डैश, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन अ फार्म, तो यहाँ पे ऊपर एक मिल्क की भी पिक्चर है, तो हम यहाँ पे मिल्क लिखेंगे। देन दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश, कहाँ से पानी पीते हैं वो लोग? पॉन्ड, तालाब दिया हुआ है। ऑन द फार्म, खेत पर, जो एक तालाब, खेत के पास एक जो तालाब है वहाँ पानी पीने जाते हैं। कॉम्पोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हम लोगों को ये चित्र देखना है और ये जो खालिस्तान है इनको भरना है। दिस इज अ डैश, इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स, इट हैज डैश एंटीनास, इट बजेस राउंड द डैश, इट डैश एंड डैश एंड केम एट जू। दिस इज अ बी, इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स, लाइंस, इट हैज डैश एंटीनास, टू एंटीनास, इट बजेस राउंड द डैश, फ्लावर्स, इट बर्स्ट एंड केम टू जू। तो ये मधुमक्खी की फोटो आपको दी हुई है, फूलों के ऊपर ये मधुमक्खियाँ हैं। दिस इज अ, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, दिस इज अ बी, एक मधुमक्खी है, इट हैज डैश ऑन हिज विंग्स, उसके पंखों पर क्या है? लाइंस हैं। इट हैज टू एंटीनास, दो एंटीना है। इट बजेस, मतलब बजेस का मतलब है जिस तरीके से ये जो मधुमक्खी की बोलने की जो आवाज़ होती है वो बज होती है, तो इट बजेस राउंड द फ्लावर्स, फूलों के आसपास बज करती है वो। इट बज्ड एंड
केम टू द जू, बज करती हुई वो जू तक आती है, चिड़ियाघर तक. लेट्स डू हेल्प द बी टू रीच इट्स होम. वॉट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम बी. तो ये जो बी है हमें इसको हेल्प करना है घर तक जाने में. वॉट आर द थिंग्स, क्या चीज़ें हैं दैट मेट ऑन द वे, जो रास्ते में मिलती हैं, दैट राइम विद बी, जो बी की तरह राइम करती हूँ. सो लेट स्टार्ट. सो सबसे पहले है पीज. तो पीज तो नहीं करता है क्योंकि बी की साउंड है ई, तो इसमें आ रहा है पीज, ईज आ रहा है, नहीं. नेक्स्ट क्या है, ट्री. यस, ट्री में साउंड आ रही है ई करके. नेक्स्ट है की. यस, की में भी आ रही है की. फिर टी, टी में भी आ रही है. नेक्स्ट हम इसके घर पहुंच गए हैं. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. हम लोगों को पिक्चर देखनी है और ये जो खालिस्तान है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है. सो फर्स्ट पिक्चर किसकी दी हुई है ये, यस लाइन, एल आई ओ एन लाइन. नेक्स्ट है वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ. नेक्स्ट जैकाल, जे ए सी के ई एल जैकाल. नेक्स्ट इज किसकी पिक्चर है, मॉन्की, एम ओ एन के ई वाई मॉन्की. नेक्स्ट है चिंपैंजी, सी एच आई एम पी ए एन जेड ई ई चिंपैंजी. नेक्स्ट इज जिराफ, जी आई आर ए एफ ई ई जिराफ. नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर. डियर, डी ई ई आर डियर. आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल. बियर, बी ई ए आर बियर. लेट्स मेक द नॉइजेस दैट एनिमल्स मेक. हम लोगों को आवाज़ें बनानी है जो ये जानवर बनाते हैं. रोर लाइक अ लायन, लायन की तरह दहाड़ना है. नी लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह नी करना है. क्वैक लाइक अ डक, बत्तख की तरह हम लोगों को क्वैक करना है, डक की तरह. ब्लेट लाइक अ गोट, गोट की तरह हम लोगों को ब्लीट करना है. ग्रंट लाइक अ पिग, पिग की तरह ग्रंट करना है. बार्क लाइक अ डॉग, डॉग की तरह बार्क करना है, भौंकना है. मू लाइक अ काऊ, काऊ की तरह मू करना है. चिरप लाइक अ स्पैरो, स्पैरो की तरह, चिड़िया की तरह चिरप करना है. चैटर लाइक अ मॉन्की, मॉन्की की तरह चैटर करना है. हिज लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह, सांप की तरह हिज करना है. जो डायनासोर, डी आई एन ओ एस ए
You are dinosaur. Let's practice. You have to join these dots and have to write these words like own, come, house, cloud, lucky, funny. Funny, bunny. One day, a nut fell on funny bunny. Funny matlab mazedar, bunny matlab khargosh. Ek bar funny bunny ke upar, us khargosh ke upar nut girta hai. Ouch, the sky going to fall, said funny bunny. He must tell the king. To खरगोश बोलता है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है. आई मस्ट टेल द किंग, मुझको राजा को बताना चाहिए. ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट हेनी पेनी. हेनी पेनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. हेनी पेनी कौन है? ये जो मुर्गी है उसका नाम है हैनी पैनी. द स्काई गोइंग टू फॉल, वो उससे भी यही बोलता है, ये जो आसमान है गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं किंग को, राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू. तो हैनी पैनी क्या बोलता है कि मैं भी आऊँगा, सेड हैनी पैनी. एंड ऑफ They went to find the king. और वो जल्दी से चले जाते हैं किंग को ढूंढने, राजा को ढूंढने. Soon they met Cocky Locky. जल्दी वो Cocky Locky से मिलते हैं. The sky is going to fall. ये जो स्वैन है Cocky Locky है. The sky is going to fall. तो वो उससे भी बोलती है, जो आसमान है गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम, सैड Cocky Locky. जो Cocky Locky इसमें जो टक है वो बोल रहे कि मैं भी आऊँगा. एंड ऑफ द वेंट टू किंग, और वो वहाँ से भी किंग के पास चले जाते हैं. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. फिर वो किससे मिलते हैं? लकी डकी से. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है, सैड फनी बनी. फनी बनी फिर से ये बोलता है, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं किंग को बताने जा रहा हूँ, राजा को बताने जा रहा हूँ. आई विल कम टू. तो वो लकी डकी भी क्या बोलता है? मैं भी आऊँगा. एंड ऑफ द वेंट To find the king, और वो सब चल देते हैं राजा को ढूंढने. On the way, they met Poozy Woozy. वो Poozy Woozy से मिलते हैं. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. वो Poozy Woozy से भी यही बोलता है, जो sky है ये गिरने वाला है और मैं king को बताने जा रहा हूँ. I will come to. सेड Poozy Woozy. Poozy Woozy भी बोलता है, मैं भी आऊँगा. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, वो सब चल देते हैं. ऑन द वे दे मेट Foxy Foxy, है ना. वो Foxy Foxy से मिलते हैं, इस फॉक्स से मिलते हैं, इस लोमड़ी से. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सैड, वो सब बोलते हैं, आसमान गिरने वाला है. We are going to tell the king. हम राजा के पास जा रहे हैं उसको बताने. The king lives here, said Foxy Foxy. Follow me. तो कहता है, राजा यहाँ रहता है, आप सब मेरे पीछे पीछे आओ. And that was the end of Funny Bunny, Henny Penny, Cocky Locky, Lucky Ducky and Poozy Woozy. और वो उन सब का अंत होता है.
किसका? फनी बनी का, हैंडी पैनी का, हैनी पैनी का, कॉकी लॉकी, लकी डकी, पूजी गूजी, क्योंकि वो फॉक्स को खा जाता है। न्यू वर्ड्स, नट, NUT, नट, आउच, OUCH, आउच, मेट, MET, मेट, एम, IM का शॉर्ट फॉर्म होता है एम, I will, तो I will का शॉर्ट फॉर्म होता है ILL, off, OFF, VR, तो VR का शॉर्ट फॉर्म होता है VWERE. Reading is fun. One day, Dash fell on funny bunny. A nut. एक नट गिरता है फनी बनी के ऊपर. फनी बनी वॉन्टेड टू टेल डैश वॉट ही सॉ. फनी बनी किसको बताना चाहता था? द किंग. हु सैड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी. ये शब्द कहानी में कौन बोलता है? आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन. तो ये कौन बोलता है? फनी बनी. आई मस्ट टेल द किंग. सो ये कौन बोलता है? ये भी फनी बनी बोलता है कि मुझे राजा को जरूर बताना चाहिए. द किंग लिव्स हियर. राजा यहाँ रहते हैं. ये कौन बोलता है? वॉक्सी फॉक्सी लोमड़ी. फॉलो मी, मेरे पीछे आइए. तो ये भी कौन बोलता है? वॉक्सी फॉक्सी. ये भी वॉक्सी फॉक्सी बोलता है. What happened to all animals in the end? अंत में सारे जानवरों के साथ क्या होता है? उन सबको क्या हो जाता है? उन सबको वॉक्सी फॉक्सी खा जाता है. Let's listen. Funny bunny, कॉक्सी लॉक्सी, हैनी पेनी, पूजी गूजी, वॉक्सी फॉक्सी. सो इन वर्ड से हम लोगों को पता चल रही है कौन कौन से एनिमल्स थे. फनी बनी, बनी मीन्स रैबिट जो होता है. कॉकी लॉकी, तो कॉकी लॉकी इज फॉर कॉक. हैनी पेनी, हैनी पेनी इज फॉर हैन. पूजी गूजी, पूजी गूजी इज फॉर गूज. वॉक्सी फॉक्सी, वॉक्सी फॉक्सी इज फॉर फॉक्स. से अलाउड, आउच, पाउच, काउच. फॉलो हॉलो स्वेलो. डाउन down, frown. Bray, clay, slay, sway. Let's write. Circle the odd one out. हम लोगों को जो इसमें से अलग है उसके ऊपर गोला बनाना है. जो शब्द different है इनसे, जो word different है. Bun, B-U-N, bun. S-U-N, sun. F-U-N, fun. G-U-N, gun. O-N-E, one. तो यहाँ पर one is different. Bed, B-E-D, bed. F-E-D, fed. L-E-D, led. S-A-I-D, said. R-E-D, red. Yes, sad is different. Sad is odd. He, H-E, he. M-E, me. B-E, B. T-E-A, T.
W E V yes. P is odd. T पर सर्कल करेंगे. वे W A Y वे. S A Y से. H A Y हे. P A Y पे. T H E Y दे. Yes, this ought. Find the opposites of the words and make sentences. हम लोगों को opposite ढूंढने हैं और कुछ वाक्य बनाने हैं. जैसे यहाँ पे fat दिया हुआ है. Fat का मतलब होता है मोटा, तो उसका opposite होगा thin. Fall, rise, start, stop, come, go, big, small. तो हमको इसी तरीके से इनके सेंटेंस भी बनाने हैं. जैसे फैट का मैं बता देती हूँ, He is a fat boy. इसी तरीके से हमको सारे सेंटेंस बनाने हैं. फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड. हम लोगों को वाक्य भरने हैं सही शब्द चुनकर. यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है, ये स्टोरी है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, तो उसी में हम लोगों को ये जो खाली स्थान है वो भरने हैं. आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ फनी रैबिट. तो मैंने कहानी किसकी पढ़ी? फनी रैबिट की, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी. वन डे अ नेट डैश ऑन हिम. तो एक दिन उसके ऊपर एक नट. यस. फॉल ऑन हिम. ही थॉट द स्काई डैश फॉलिंग वॉज. So he dashed to tell. The king went. On the way he met different animals. All of them dashed him, joined him. At the last they dashed a clever fox. Met. M-E-T met आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो words ही हुए. एक meet है, एम डबल ई टी एक मेट है, तो हम लोगों को मेट लिखना है. इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड अ डैश देम ऑल अप. अभी क्या है? इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड डैश देम ऑल. तो क्या करती है वो? एट ए टी ई. Rearrange these words to form sentence. हमें इन words को rearrange करना, दोबारा बनाना है कोई सही वाक्य बनाने के लिए. So यहाँ पे दिए हुए हैं ये words, जैसे on, funny, बनी है ना, fell, a नट, वन डे. तो हम क्या बनाएंगे? वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. तो फनी बनी के ऊपर एक बार नट गिरता है. नेक्स्ट फॉलिंग डाउन द स्काई इज सैड फनी बनी. तो इसका क्या बनेगा? द स्काई इज फॉलिंग डाउन सेड फनी बनी. किंग एमर्स्ड द टेल. आई मस्ट टेल द किंग.
अब है lives here the king. The king lives here. Change only one letter of each word and make another rhyming word. तो हम लोगों को राइमिंग वर्ड बनाने हैं और केवल एक शब्द बदलना है इसका पहला शब्द. तो हम लोगों को मिलते जुलते शब्द बनाने, जैसे एक आपके लिए किया हुआ है, ठीक है, फेल. तो फेल के साथ इन्होंने बनाया है टेल. जैसे यहाँ पे डाउन है ना, तो हम लोगों को डाउन, हम लोग डाउन का क्या बना सकते हैं, टाउन, ठीक है. मेट, वेट, वे, से, किंग, सिंग, सून, मून, बैट, हैट. लेट्स डू लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स राइट नेम. तो हमें पिक्चर देखने हैं और इसमें एनिमल है, जानवर है, उनको सही नेम देने हैं. जैसे पहली पिक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें ने सही नेम देने हैं. जैसे हैन, फॉक्स, यहाँ पे कॉक दिया हुआ है, स्वान दिया हुआ है, चिक दी हुई है. तो हमको यही लिखना है. जैसे सबसे पहले, सबसे ऊपर पिक्चर है चिक की, CHICK, चिक या फिर चिकन. कॉक, सो उसी के बराबर में है, एक तरफ कॉक है, तरफ हैन है, जो वाइट और रेड है, दैट इज हैन, मतलब मुर्गी है वो, HEN, हैन. एंड अनदर इज कॉक, CUCK, कॉक. नेक्स्ट इज फॉक्स, FOX, फॉक्स. अनदर इज स्वैन या फिर गूज. तो हम लोगों ने गूज पढ़ा था, स्वैन भी लिख सकते हैं और गूज भी करेक्ट है. जी ओ ओ एस ई, गूज. पिक्चर स्टोरी, लुक एट द पिक्चर्स, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. हमें ये चित्र देखने हैं, ये कहानी दी हुई है, इस कहानी को बताना है अपनी भाषा में, फिर इंग्लिश में. यहाँ पर कुछ खरगोश हैं और एक टाइगर है. तो ये खरगोश गाजर लेके जा रहे हैं टाइगर के सामने, हंसते हुए, उसको टीज करते हुए. तो उस टाइगर को गुस्सा आता है क्योंकि उसको वो टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं. तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, टाइगर या चीता गुस्सा होकर खरगोशों के पीछे भागता है. और खरगोश तीसरे चित्र में देखेंगे तालाब की तरफ भाग रहे हैं, और वहाँ एक हाथी है, वो उस हाथी के ऊपर चढ़ने लगते हैं. फिर जब टाइगर उधर भागता है चौथी पिक्चर में, तो वो जो हाथी है उस टाइगर को
पानी से नीला कर देता है। थैंक यू। यूनिट 5 पोयम।